दक्षिण भारत की सियासत में के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी बीआरएस की चमक दमक अब फीकी पड़ चुकी है। पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उम्दा प्रदर्शन किया। राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि 8 पर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस और 1 पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जीत हुई थी। वहीं अब सियासी गलियारों में जमकर चर्चा है कि राज्य में अर्श से फर्श पर गिरी और बुरी तरह फेल हुई के चंद्रशेखर राव की पार्टी अब बहुत जल्द बीजेपी को अपना साथी बना सकती है। हालांकि इसका कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टी बीजेपी और बीआरएस का एक धड़ा ऐसी अटकलों को बल देने का काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले के चंद्रशेखर के बेटे और नेता केटी रामाराव दिल्ली आए थे। माना जा रहा है कि उन्होंने बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। उन मुलाकातों ने भी गठबंधन की चर्चा को मजबूत कर दिया है। वैसे अभी बीजेपी के नेता ऐसे किसी भी गठबंधन को लेकर ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं। एक बीजेपी नेता का कहना है कि पार्टी के अंदर वो नेता ही ऐसे किसी गठबंधन के पक्ष में बात कर रहे हैं जिन्हें बीआरएस के पहले परिवार को बचाना है, लेकिन पार्टी के अंदर ही कई नेता मानते हैं कि ऐसा कोई भी गठबंधन बीजेपी के लिए काफी आत्मघाती साबित हो सकता है। वहीं इस मामले पर पूर्व लोकसभा सांसद बी विनोद कुमार का कहना है कि किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है। वैसे भी हमारी पार्टी में सभी लोकतांत्रिक विचारों वाले हैं, ऐसे में राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता। बीआरएस नेता यहां तक मानते हैं कि तेलंगाना में उनकी पार्टी को अभी से कमजोर समझ लेना एक बड़ी भूल होगी। वहीं आपको बताते चलें कि हालिया चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद केसीआर लंबे समय से बीमार हैं और जनसंपर्क से कटे हुए हैं। वहीं बीआरएस के नेता भी एक एक कर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा बीआरएस को अपने नेताओं पर मुकदमे का डर भी सता रहा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में राज्य में अपनी सियासी जमीन बचाने और फिर से अपनी साख मजबूत करने के लिए बीआरएस और बीजेपी का गठबंधन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।